हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास है यहाँ पर बुटेन गैस सिलेंडर और यहाँ पर पोर्टेबल स्टॉक एंड यहाँ पर एयर पिलो। कैंपिंग रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें इसका ज़्यादा ही रोल है और इनके बिना कैंपिंग करना मुश्किल है। और अगर आप कहीं पर जा रहे हो या कैंपिंग करना चाह रहे हो तो इन तीन चीज़ों को रखना साथ में ज़रूरी है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इन तीनों का मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और डिटेल्स में सारी चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्टेबल जो स्टोव है, इससे आप खाना पका सकते हैं। अगर आप कहीं कैंपिंग करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का एक कवर है, इसमें ये आता है और एक कवर यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। और इस पर ये देखने में छोटा सा है लेकिन इसमें आप 3-4 लोगों का खाना इजीली बना सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से इसका कुछ लेग्स है, इसको इस तरह से खोल सकते हैं। पूरा फोल्डेबल है, इसे इस तरह से खोलना है, यानी ये तैयार है आपका, खुल के रेडी है। अब इसके ऊपर आप अपना कुछ भी रख के इस पर पका सकते हो खाना या कुछ भी। और यहाँ पर बुटेन गैस सिलेंडर जो मैंने इसके साथ ही लिया था, और ये अगर आप ले हो तो इसका यूज अगर करते हो अगर खाना बनाने के लिए, तो 2 से 2.5 घंटा ये आपका बनेगा इसमें खाना। यानी इसमें अभी कितना सिलेंडर में है मैं बता दूँ, कैपेसिटी कितना है इसमें है 350 ग्राम। 350 ग्राम आपका गैस है जो कि 2.5 से 3 घंटा आपका यूज़ कर पाएंगे। और इसे लगाना बहुत ही ईजी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नॉब दिया है यहाँ पर लगाने के लिए, और ये दिया है आपको कम बेसी करने के लिए, और यहाँ पर ये दिया है लाइटर, जो यहाँ पर सिलेंडर अटैच करने के बाद में आपको अलग से कोई लाइटर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ यहाँ पर होल दिया है, ये दोनों होल को अटैच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अटैच करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नॉब हमारा खुला हुआ था, इसके चलते ये हमारे यहाँ से गैस लीक कर रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुलने के बाद यहाँ से आपको हल्का सा, जैसे ही खोलते हैं तो साउंड आता है, तो यहाँ खोलना है और यहाँ पर लाइटर। अब यहाँ से बंद चालू यहाँ से कर सकते हैं, और ये लाइटर अब जिसे चालू करना है और यहाँ से बंद हो गया। इसे खोलना और लगाना बहुत ही आसान है। और ये अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 100-150 रुपये करीब पड़ जाएगा। जैसा आप प्रोडक्ट लीजिए, जिस कंपनी का लीजिए उसके हिसाब से इसका दाम है। एक्चुअल में इसका 100 रुपये दाम है, यानी आप इसका यूज़ करेंगे 2 से 2.5 घंटे, यानी आप एक बार में खाना बनाओगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, आपका 2 बार कम से कम चली जाएगा। अगर आप पूरा जैसे चावल चिकन उकन बना रहे हो, तब अगर छोटी मोटी चीज़ें बना रहे हो जैसे कॉफ़ी या मैगी, ये सब के लिए आप लंबा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लगाना बहुत ही आसान है, मैंने लगा के दिखाया, आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, लग गया, बस ये देखना है कि लीक नहीं होना चाहिए। लीक है तो इसको यहाँ पर आप इसको टाइट कर सकते हैं हल्का, लेकिन अभी हमारा सही है। बस यहाँ पर ऑन और ये हमारा यहाँ चालू। तो फिलहाल इसे बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं। तो टोटल मैंने 3 सिलेंडर लिया था इसके साथ में, बाय किया था कि बार बार मुझे बाय ना करना पड़े। और 350 ग्राम का ये सिलेंडर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन्हें साइड रखते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये जो स्टॉप है, स्टॉप का मैं बता दूँ आपको, इसका प्राइस आपको पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन लेने जा रहे हैं तो आपको 450 मिलेगा इसका प्राइस, लेकिन इसका प्राइस अप डाउन होते रहता है, लेकिन 450 से कम नहीं मिलेगा, 450 इसका फिक्स प्राइस है। उसके बाद आपको 550-650 जैसा आप देख के बाय कर सकते हैं। बस ये देखना है, प्रोडक्ट आपको सही होना चाहिए। और ये जो कंपनी है केवर का है, और केवर बहुत ही बढ़िया है और टोटल मेटल का है, इसमें कोई भी ख़राबी होने का आपको जल्दी चांस नहीं, यानी अच्छा, इसको लॉन्ग लास्टिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर पिलो, ये अगर आप कहीं कैंपिंग में जाते हैं, जो मेरा कैंपिंग टेंट आपने देखा है उसमें एक चाहिए पिलो। मान लीजिए हम नाइट कैंप कर रहे हैं कहीं पर, टेंट लगा के अपना कैंपिंग कर रहे हैं, तो हमें सोने के लिए तो व्यवस्था चाहिए ना। घर से बड़े तकिया को आप ले नहीं जा सकते, ये छोटा सा फोल्डेबल है, बस में आपको एयर भरना है,
और इसका यूज कर रहे हैं। सस्ते क्वालिटी का भी आता है, और अगर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो तो इस तरह का ले सकते हैं। ये 250 रुपये पड़ेगा, सस्ते का आप ले लीजिए 150-150 ऐसे मिल जाता है, लेकिन एक बार लेने के बाद में आप बार बार इसे लेना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने भी इसे परचेस किया, एक बार लेके हमेशा इसको यूज करो। 1 ईयर का वारंटी है। लो जी, ये तैयार हो चुका है आपका। यानी कैंपिंग में जाने के लिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कैंपिंग रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये भी आपको ज़रूरत है, और अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं कहीं, तो ये सब आपको लेके जाना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाय करनी पड़ेगी अभी, तो ये सब चीज़ें आपको लेने पड़ेंगे अगर आप कैंपिंग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या कहीं पर कैंपिंग करने जाते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और ख़ास करके आप कहीं भी कैंपिंग करने जा रहे हो तो खाना तो बनाना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। अगर आप कहीं इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर इस तरह का कहीं कैंपिंग करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप बाय कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं अपने लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ये 3 चीज़ें जो आपको बतानी थी। बूटेन गैस, ये हमारा पोर्टेबल स्टोव, और ये हमारा पिलो। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।